जैसे गिरने बारिश आती है तो छूता है। समस्या तो है, यहाँ कमरों का अभाव है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन उसकी स्थिति सही नहीं होने वाली स्थिति बद से बदतर ही रहती है। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ना ही शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह है और ना ही बच्चों के लिए कोई भी सरकारी स्कूल में व्यवस्था है और ना ही ढंग से कमरे जो हैं वह भी तैयार होते हैं। किसी भी तरीके से बस बच्चों को स्कूल भेजा जाता है सिर्फ एक नाम मात्र के लिए कि हाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि जो अधिकारी होते हैं वह भी सरकारी स्कूल आते हैं, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं या बस एक ढकोसला तक ही सीमित रह जाता है। जी हाँ, अधिकारी आते हैं लेकिन उन पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और स्कूल की जो स्थिति रहती है वैसी की वैसी ही फिर से देखने को मिलती है। भागलपुर से एक बार फिर से सरकारी स्कूल की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि स्कूल की स्थिति ऐसी है जहाँ पर बच्चे ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। बच्चों के लिए सही तरीके से ना ही शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की भी व्यवस्था है और ना ही जो कमरे होते हैं बैठने के लिए स्कूल में वो भी किसी तरीके की उसकी भी व्यवस्था की गई है। आप एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भागलपुर का जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर कमरों की स्थिति कैसी है। पूरी तरीके से कमरे जो है वो जर्जर हो चुके हैं और यहाँ के बच्चे भी साफ तौर से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ 1 से लेकर 8 तक कक्षा चलती है लेकिन कमरे सिर्फ 4 है और उसकी स्थिति ऐसी है जो कि बद से बदतर है। बरसात का समय आता है तो ये छत से पानी चूने लगता है। तो आप ही कुछ सुनिए कि इस स्कूल में पढ़ रही जो छात्रा है, जो बच्ची है, उनका क्या कुछ कहना है। ये छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने बारिश आती है तो छूता है और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे और 4 क्लास की जरूरत है। क्या नाम? काजल खातून। तो आपने सुना कि ये बच्ची क्या कुछ बताती हुई नजर आ रही है जो कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। वहीं इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है वह भी आप सुन लीजिए। समस्या तो है, यहाँ कमरों का अभाव है। ये मध्य विद्यालय है और कमरे 4 हैं और 2 कमरा बिल्कुल जर्जर हो चुका है कि बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर से छत गिरता है और बच्चों की संख्या भी 500 के आसपास है और चापाकल मात्र 1 है जिससे पानी की भी बहुत अधिक समस्या होती है। 2 बरामदे हैं जिस पर कि पहले टिफिन के पहले बैठाया जाता है, उसके बाद मध्याह्न भोजन होता है और मध्याह्न भोजन के बाद उसको साफ़ सफाई कराया जाता है जिससे पानी उस पर रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को जी बरामदा पर बैठाया जाता है 4 क्लास को और खाना खिलाने के बाद खाना वहीं बरामदे पर ही खिलाया जाता है और साफ़ सफाई के बाद बच्चे वहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं जिसके कारण हमको मजबूरी बस नीचे दरी पर बैठाना पड़ता है। मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बनसप्ती, मेरा नाम प्रवीण कुमार। तो आपने सुना कि इस स्कूल की स्थिति खुद वहाँ के प्रिंसिपल बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 4 कमरे हैं और कमरे की स्थिति ऐसी है जिसे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बरामदे में मजबूर हैं। बच्चों को बरामदे में बैठा कर ही पढ़ाया जाता है और सही तरीके से व्यवस्था भी उस स्कूल की नहीं है। तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि भागलपुर से जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो साफ तौर से लग रहा है कि जो अधिकारी निरीक्षण करने के लिए स्कूल आते हैं उनका प्रचार प्रसार तो होता है कि अधिकारी काम कर रहे हैं लेकिन सही मायने में देखा जाए तो किसी तरीके से कोई काम स्कूल में नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।